अस्सलाम वालेकुम क्लास थ्री, कैसे हैं आप सब लोग। क्लास थ्री कल हमने नात पढ़ी थी और नात के मैंने आपको मुश्किल अल्फाज बताए थे और मैंने आपसे कहा था कि बुक के पीछे से देख कर उसके आपने अल्फाज बयानी लिखने हैं, तो यकीनन आपने अल्फाज बयानी लिखने होंगे। आज हम इसकी मश्क करेंगे। मश्क में आप पेज नंबर 37 ओपन करें। 37 पर आप देखें, यहाँ पर उन्होंने लिखा हुआ है हरूफ जोड़ें और पढ़ें। ठीक है, यहाँ उन्होंने आपको कुछ तोड़ दिए हुए हैं, उनको आपने जोड़ कर यहाँ पर पूरा लफ्ज़ लिखा। ठीक है, ये जैसे उन्होंने एक आपको मैं एग्जांपल दी हुई है, मिसाल दी हुई है, हे जमा काफ, हे काफ हक। अब ऐसे ही वाओ हे वो, नून अलिफ मीम, नून अलिफ ना लिखेंगे और आगे मीम लगा देंगे, नून अलिफ ना मीम ना, फे लाम का, ये लफ्ज़ बनेगा आपका फलक। पे की आधी शक्ल बनाएंगे, उसके साथ नाम की आधी शक्ल बनाएंगे और साथ आप काफ लगा देंगे, तो ये लफ्ज़ बनेगा आपका फलक। हे अलिफ दाल छोटी, हादी, हे की आधी शक्ल बनाएंगे साथ अलिफ लगाएंगे, हे अलिफा, और दाल की आधी शक्ल नहीं होती, दाल भी पूरा लिखेंगे और छोटी पूरा लिखेंगे, हे अलिफा दाल छोटी दी हादी। ठीक है, उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर टू है, दुरुस्त लफ्ज़ के गिर्द दायरा लगाएं। यहाँ उन्होंने आपको तीन तीन लफ्ज़ दिए हुए हैं, आपने देखना है कौन सा लफ्ज़ यहाँ पर सही है। हे डंडे वाले काफ के साथ हक, हे दो नुक्तों वाला काफ उसके साथ हक, और ये दूसरे वाले गोल हे के साथ हक। तो हमारा ये वाला हक जो हे काफ दो नुक्तों वाले काफ के साथ ही है, वो वाला हक ठीक है, आपने इसको सर्कल करना है। मकाम ये उन्होंने तीन तरह दिया हुआ है, एक दो नुक्तों वाले काफ के साथ दिया हुआ है, एक डंडे वाले काफ के साथ, और एक मीम व मुँह काफल का मीम का। तो पहला वाला जो मकाम है मीम काफल का मीम मकाम, ये ठीक है, आपने इसको सर्कल करना है। थर्ड वर्ड है बुलंद, बे वू लाम नून दाल बुलंद, बे अलिफ बा लाम नून दाल बलंद, और बे पेश वू लाम नून दाल बुलंद, ये वाला बुलंद हमारा ठीक है, इसको आप सर्कल कर दीजिएगा। ठीक है, फोर है फालक, फे अलिफ फा लाम का फलक फालक, फे लाम का फलक फलक, और फे लाम दो नुकों वाला का फलक, तो ये वाला फलक जो है ठीक है, फे लाम और डंडे वाला का फलक लफ्ज़ होता है फलक, इसका मतलब होता है आसमान। सीधा, सिंगी सी दाल है दो चश्मी है लिफ हा सीधा, सीन छोटी है सी दाल है लिफ हा सीधा, सीन धे लिफ हा सीधा, तो ये वाले दो गलत हैं। पहला वाला जो सीधा है वो हमारा ठीक है, इसको आप बुक के ऊपर सर्कल कर दें। ओके, नेक्स्ट पेज पर आ जाएँ, 38 पेज है हमारा। यहाँ पर उन्होंने क्वेश्चन नंबर 3 दिया है, अल्फाज को दुरुस्त तरतीब देकर मिश्रा मुकम्मल करें। ये लफ्ज़ उन्होंने आगे पीछे करके हमें जुमला दिया हुआ है, इसको हमने लफ्ज़ों को जो है करेक्ट ऑर्डर में लिखना है, सही करके तरतीब में लिखना है। बताने वाले वो हक की बातें, इसको हम लिखेंगे वो हक की बातें बताने वाले, पीछे शेर देख लीजिएगा, पीछे नाक के शेर में भी ऐसे ही लिखा हुआ है, वो हक की बातें बताने वाले। नाम उनका बुलंद नबियों में, बुलंद नबियों में नाम उनका, आपने ऐसे लिखना है। मकाम उनका फलक से ऊंचा, फलक से ऊंचा मकाम उनका, तरतीब दे देनी है आपने जुमले को। खुदा के प्यारे हमारे हादी, हमारे हादी खुदा के प्यारे, ये आपने जुमले ऐसे ही तरतीब देकर लिखने हैं। उसके बाद आते हैं सवाल जवाब, सवाल के अपने जवाब देने हैं। हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कैसी बातें बनाई, तो आपने आप नाद में पढ़ा वो हक की बातें बताने वाले, मतलब हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हक की बातें बताई। दूसरा सवाल है आपका, हमारे रहबर और रहनुमा कौन है, हमारे रहबर और रहनुमा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। किन के नामों में सबसे बुलंद नाम हमारे नबी का है, नाद में आपने पढ़ा नाम बुलंद नबियों में नाम होता, तो तमाम नबियों में हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम बुलंद है। ये तीन सवाल के जवाब आपको नोट, ये सारा आपको काम नोट की शक्ल में मिल जाएगा, तो नोट से आपने देख कर अपनी कॉपी के ऊपर ये सारे सवाल जवाब, और ये आपने कॉपी के ऊपर राइट करने हैं। उसके बाद अरकान मिलाएँ, सीन ये सी थे अली का, पहले आप सीन की आधी शक्ल बनाएंगे, उसके साथ छोटी ये की आधी शक्ल बनाकर दाल लगा देंगे, और दो चश्मे ये के साथ अलिफ लिख देंगे सीधा। रे सीन रस ते हे ता, उसको आपने जोड़ कर लिखना है, रे अलग लिखेंगे, सीन की आधी शक्ल उसके साथ ते की आधी शक्ल, और फिर हे की रे की आधी शक्ल, ये बन जाएगा रे सीन रस ते हे ता रस का। ये लिखा हुआ है नून बे, ये वा यो नून